अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू योर चैनल कीज। आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, इट इज़ द लेक्चर 2 फॉर बीए बीएससी एसोसिएट डिग्री एंड बीएस इन साइकोलॉजी, ख़ास तौर पे वो बच्चे जो फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रबीउल अव्वल माह जो बुक मैंने इस्तेमाल की है वो है एन अप्रोच टू साइकोलॉजी वॉल्यूम ए। तो यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 1 पर हैं हम, और पेज नंबर 1 से हम ये स्टार्ट करने लगे हैं अबाउट द हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। तो अगर इससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि साइकोलॉजी एक्चुअली है क्या, तो साइकोलॉजी एक स्टडी होती है हमारे माइंड की, हमारे कॉन्शियसनेस की, ठीक है। ये अभी करंट डेफिनेशन है, करंट पर्सपेक्टिव है। लेकिन अब ये करंट पर्सपेक्टिव आया कैसे, इसके लिए डिफरेंट सीरीज ऑफ रिसर्चेज हुई, सीरीज ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हुए, और इसी की वजह से हमारी पूरी हिस्ट्री बनती है जिसके अंदर फ्रॉम द बिगिनिंग लेवल, जहाँ पे प्रिमिटिव आइडियाज़ या प्रिमिटिव इरा थी, वहाँ से स्टार्ट करते करते आज हम मॉडर्न डेफिनेशन तक पहुँच सके हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। रबीश काफ़ी सदरी वसली अमली वालुकदा तमिलिसानी अफका कौली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो हम बात डिस्कस करेंगे, इट इज़ अबाउट साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोल। तो सबसे पहले ज़माने में इसको कंसिडर किया जाता था एज अ साइंस ऑफ सोल। सोल का जो कॉन्सेप्ट था ना, ये काफ़ी पुराना है, जिसको लोग समझते तो हैं लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पाते। अगर मैं आपको सोल का वर्ड बोलूं तो आप मेरी बात को, मेरे कंसेप्ट को समझ जाएंगे, लेकिन अगर वही आप मुझसे पूछें कि सोल को डिफ़ाइन करो, तो मैं सोल को डिफ़ाइन करने से कासिर हूँ, मैं उसको डिफ़ाइन नहीं कर पाऊँगी। तो यहाँ पर जो साइंस ऑफ सोल थी, उसको कहा गया ये साइकोलॉजी है। इस वक्त में साइकोलॉजी एज अ टर्म इस्तेमाल नहीं की जाती थी, एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं की जाती थी, बट इसको सिर्फ एज अ कंसेप्ट या फिर एज अ साइंस ऑफ सोल के नाम से जाना जाता था। डिफरेंट फिलोसोफर्स थे, जिनमें मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम दोनों ने मिलकर अपने अपने बिलीव्स के हिसाब से एक कंसेप्ट क्लैरिटी दी, जिसकी बेसिस के ऊपर इस इरा को हम इरा ऑफ साइंस ऑफ सोल कहते हैं, ठीक है। इस इरा के अंदर भी फर्दर कुछ दौर थे। पहला जो दौर था, इट इज़ नॉन एज द प्रिमिटिव इरा। अब इस दौरान क्या था कि इस वक्त जो थे ना, लोगों के बिलीफ जो थे वो काफ़ी ज़्यादा प्रिमिटिव, काफ़ी बसीदा ख्यालात थे। उनको कुछ ज़्यादा जो एक साइंस की टर्मिनोलॉजीज थी, उनसे ज़्यादा वो वाकिफ़ नहीं थे। तो इस वक्त पर, इस दौरान उन्होंने कहा कि जो हमारी साइकोलॉजी है, ये साइंस ऑफ सोल है। लेकिन जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता जो है लोग आगे इस चीज़ को की तरफ बढ़ते गए, तो उन्होंने साइंस ऑफ सोल के कंसेप्ट को थोड़ा सा अल्टर या चेंज कर दिया। लेकिन इस दौर में इसको साइंस ऑफ सोल कहा जाता था, और ये कहा जाता था कि सोल जो होती है, ये सिर्फ ह्यूमन बींग्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म तक महदूद नहीं है, ये सारे के सारे जानवर, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज़म्स, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज़म्स, सबकी एक सोल होती है। इसी वजह से अगर आपने कभी फेरी टेल पर गौर किया होगा, तो उसमें भी आप देख रहे होते हैं कि कुल्हाड़ा भी बोल रहा है, कोई जो है वो लकड़ी का मेज़ है तो लकड़ी का मेज़ भी बोलना शुरू हो गया है। तो इस तरह से डिफरेंट चीज़ें जो हैं उनको दिखाया जाता है कि वो जानदार हैं। तो ये जानदार का जो एक कंसेप्ट था पहले, उसके अंदर यही डिस्क्राइब किया जाता था कि हर लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक सोल मौजूद होती है, जो कि चीज़ों को महसूस कर सकती है, अपना एक एहसास रखती है, ठीक है। फर्दर उन्होंने कहा कि जो सोल है ना, ये इमॉर्टल है। तीन कंसेप्ट हैं, पहला तो ये साइंस ऑफ सोल, दूसरा सोल हर चीज़ में मौजूद होती है, आइदर वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, तीसरा सोल इमॉर्टल होती है, वो ख़त्म नहीं हो पाती। बट यहाँ पे क्या होता है कि जब एक इंसान वफात पा जाता है, तो उसकी सोल जो होती है वो आज़ाद हो जाती है, ये कंसेप्ट था। अब थोड़ी सी तरक्की हुई, ये प्रिमिटिव इरा हमारी ख़त्म हो चुकी है। अब जो दूसरी इरा आई है, इसको हम ग्रीक पीरियड या ग्रीक इरा भी कहते हैं। ग्रीक इरा के अंदर डिफरेंट फिलोसफर्स थे, जिन्होंने अपने अपने कंसेप्ट को बयान किया, और उसके हिसाब से उन्होंने अपनी एक कुछ हद तक थ्योरी कह सकते हैं वो पेश की। थ्योरी भी नहीं बल्कि हाइपोथेसिस कह सकते हैं, क्योंकि थ्योरी तो ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंटेशन के साथ होती है। तो यहाँ पे सोल के साथ तो हम ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट कर नहीं सकते, तो ये एक उनकी हाइपोथेसिस थी, ठीक है। सबसे पहले जो ग्रीक फिलोसोफर का जिक्र यहाँ पे बुक में किया गया है, वो है पाइथागोरस। पाइथागोरस का क्या कहना था, उनका कहना था कि जो हमारा जिस्म होता है ना,
ये एक जाल या फिर एक प्रिजन की मानिंद है, एक कैद की मानिंद है, कोठरी की मानिंद है, जिसके अंदर हमारी रूह या हमारी सोल जो होती है वो कैद होती है। जब एक इंडिविजुअल वफात पा जाता है, विसाल पा जाता है, फोत हो जाता है या मर जाता है, तो उसकी जो सोल होती है वो इधर उधर भटकना शुरू हो जाती है, वो रूमिंग करना शुरू हो जाती है, फ्रीली रूम करती है इधर से उधर। और जो उसका करने का दिल चाहता है, जो उसकी विल होती है, उसके अकॉर्डिंगली वो काम करती है। फिर सेकंड फिलोसफर आया जिनका नाम सुक्रेट्स था। ये चीज़ यहाँ पे याद रखना बहुत ज़रूरी है कि सुक्रेट्स ही पहले वो शख्स थे जिन्होंने साइकी का जो एक टर्म है वो इंट्रोड्यूस करवाया था, साइकी का वर्ड इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है, इन्होंने कहा कि बॉडी जो है ना, ये सोल से एक नेक्स्ट लेवल चीज़ है। लाइक हम सोल के ऊपर ही कंसंट्रेट कर रहे हैं, बट उनके ख्याल से बॉडी जो थी वो ज़्यादा अहम फैक्टर है एज़ कम्पेयर टू द सोल। और उनका ये था बिलीफ कि सोल जो होती है वो इमॉर्टल होती है, वही यानी पुराना ख्याल जो था वही था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बॉडी जो है वो उसको ख़त्म कर सके या कैद कर सके, बट जब बॉडी जो है वो ख़त्म हो जाती है, सोल अल्टीमेटली फ्री हो जाती है। उन्होंने कहा कि हमें हमारी जो एवरी बॉडी की एक किस्म की जो नॉलेज होती है ना, उसके हिसाब से हम जो है ना उसकी साइकी को डिस्कस कर सकते हैं। और उसी के बारे में उन्होंने फर्दर अपनी एक्सप्लेनेशन देते हुए साइकी के सारी टर्मिनोलॉजीज को एक्सप्लेन किया था। फिर फर्दर आते हैं प्लेटो। प्लेटो की ये ओपिनियन थी कि सोल और बॉडी ये दोनों अलग अलग सेपरेट सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, लेकिन ये दोनों सिस्टम्स एक्टिव रहते हैं, फंक्शनल रहते हैं और आपस में इंटरेक्ट करते हैं आखिरी सांस तक, जब तक बॉडी और सोल इकट्ठे हैं, ठीक है, सेपरेट लेकिन आपस में इंटरेक्ट करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि सोल जो है वो सिर्फ एक शेडो है जिसको हम महसूस तो कर सकते हैं, लेकिन उसको हम एक किस्म का मैयर कर पाना, उसको टच कर पाना, ये सब कुछ हम नहीं कर सकते। ये सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट थिंग है, ठीक है, एक एब्स्ट्रैक्ट थिंग है जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते लेकिन महसूस कर पाते हैं, ठीक है। फिर फर्दर आते हैं एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने अपनी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था डी एनीमिया, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जो हमारा एक सोल होती है ना, वो सारी की सारी रिलाय कर रही होती है एक लिविंग प्रिंसिपल के ऊपर, हर किस्म के ऑर्गेनिज्म के अंदर। और यहाँ पे ऑर्गेनिज्म के लिए उन्होंने जो टर्म इस्तेमाल की थी वो एनिमेट्स की थी। उन्होंने कहा था जो एनिमेट्स बीइंग होते हैं उनके अंदर सोल होती है, जिसकी हिसाब से उनके बेसिक लाइफ प्रिंसिपल जो होते हैं वो यानी एक किस्म के गर्दिश में होते हैं, और उसी के हिसाब से लोग जो होते हैं वो अपने काम सर अंजाम दे रहे होते हैं। यहाँ पे ये बात याद रखना ज़रूरी है कि साइकोलॉजी की सबसे पहली जो किताब थी वो डी एनीमिया ही थी, और इसके बाद फर्दर किताबें आना शुरू हुई। दोबारा रिवाइज करते हैं, सबसे पहले शख्स जिन्होंने साइकी का टर्म इस्तेमाल किया था वो सुक्रेट्स थे, जबकि पहली किताब जिस शख्स ने लिखी वो एरिस्टोटल थे, और किताब का नाम डी एनीमिया था, जिसका जो मेन सब्जेक्ट था वो एनिमेट बींग्स थे। डिफरेंट ग्रीक फिलोसोफर जिनके अंदर कुछ यूरोपियन फिलोसफर्स भी आते हैं, उन्होंने भी जिनके अंदर ख़ास तौर पे सबसे पहले प्लोटेनस एंड अगस्टन थे, उन्होंने भी सोल की जो एक कंसेप्ट था उसकी तायिद की थी, उसको सपोर्ट किया था। इसके साथ साथ काफ़ी दूसरे फिलोसोफर्स लाइक मुस्लिम स्कॉलर्स भी जिनमें आते हैं, लाइक अल खल्दी, फिलबी, और इसके साथ बू अली सीना और बहुत सारे और लोगों ने भी मिलकर इसी कंसेप्ट को ज़िंदा रखने की कोशिश की थी, और इसी को सपोर्ट भी किया था कि सारा का सारा जो खेल है हमारी साइकी का, ये रिलाय कर रहा होता है हमारी सोल के ऊपर। अब बात करते हैं क्रिटिसिज्म की। तो ऑब्वियसली अगर हम साइकोलॉजी को एज अ साइंस कह रहे हैं, लाइक साइंस ऑफ सोल कह रहे हैं, तो उसके लिए एक शर्त होना लाजमी है, साइंस के अंदर होती है हमारी एक्सपेरिमेंटेशन या एम्पिरिकल अप्रोच। लेकिन यहाँ पे क्या है कि सोल को तो हम सिर्फ फील कर पा रहे हैं, तो हम कोई एक्सपेरिमेंट या एम्पिरिकल अप्रोच उस पर एज सच अप्लाई कर ही नहीं सकते, तो हम किस तरह से कोई बेसिस ही नहीं बनती कि हम कहें कि ये जो है साइंस ऑफ सोल है। दूसरी बात ये है कि सोल जो है ना एक मिस्ट्री है जिसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ना ही वेरीफाई कर सकते हैं, ये एक रिलायबल कॉन्सेप्ट नहीं है। तीसरी बात ये है कि इसमें आ रही है थ्योरी ऑफ रिलीजन, लाइक रिलेशनशिप बिटवीन गॉड एंड ह्यूमैनिटी,
फर्दर मोरेलिटी इमोरेलिटी ये सब कुछ चीज़ें आ रही हैं, लेकिन जो साइंस होती है वो इन टर्मिनोलॉजीज़ के ऊपर बिलीव नहीं करती, क्योंकि रिलीजन बहुत सारे हैं इस दुनिया में, और अगर इसी तरह हम हर रिलीजन के ऊपर बातों को जो है उनको एक्सेप्ट करते जाएं, तो उस हिसाब से तो फिर मेरे ख्याल से साइंस का कोई वजूद ही नहीं रहेगा। इसकी एग्जाम्पल मैं इस तरह से देती हूँ कि अगर हम इस्लामिक माशरे में देखें तो हम देखते हैं कि अक्सर दरबारों के ऊपर काफ़ी जो है वो मेरे ख्याल से नशेई बैठे होते हैं, ठीक है, जो अपने आप को पीर कह रहे होते हैं, ठीक है, ये मेरी ओपिनियन है, इसमें एज सच बाइस्ड होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कमेंट सेक्शन के अंदर गलत बात करने की ज़रूरत है, ये सिर्फ मेरी ओपिनियन है। तो उस टाइम जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि उनको जो है कोई हज़रत साहब नज़र आ रहे हैं, कोई और शख्स नज़र आ रहे हैं, तो ये सारे के सारे सिम्टम्स जो होते हैं ये शिज़ोफ्रेनिया के हैं, ठीक है, हेलुसिनेशंस होना, या फिर वो कहते हैं उनको आवाज़ें आ रही हैं, तो ये डिल्यूजन्स भी जो हैं ये स्किज़ोफ्रेनिया का एक सिम्टम है। और अगर हम इन्हीं चीज़ों के ऊपर रिलीजियोसिटी के हिसाब से देखें तो यहाँ पे जो है हम उनको नॉर्मल कंसिडर करेंगे कि ये आदमी बहुत ज़्यादा परहेजगार है, तो शायद इसको सच में कोई नज़र आ रहा हो, ठीक है। और अगर हम वैसे साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वो एक शख्स एबनॉर्मल है, बीमार है, उसको हेल्प की ज़रूरत है, ठीक है। तो इस तरह से साइंस और रिलीजन को हम कभी भी आपस में मिक्सड अप नहीं कर सकते। फर्दर हम बात करते हैं चौथे क्रिटिसिज्म की, जिसके अंदर बात की गई है अप्रोच की। तो ये सारी की सारी जो अप्रोच है ना, ये नॉन साइंटिफिक अप्रोच है, ठीक है, नॉन ऑब्जर्वेबल है, नॉन ऑब्जेक्टिव अप्रोच है। कोई फिजिकल एंटिटी सोल की जो बात करें, वो फिजिकल एंटिटी तो है ही नहीं, एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी है, तो उसके बारे में वो बात कर रहे हैं जिसको हम ना महसूस कर सकते हैं, ना मैयर कर सकते हैं, ना देख सकते हैं इवन के, तो उस चीज़ को हम किस तरह से एज अ बेस लाइन बना सकते हैं किसी सब्जेक्ट की, ठीक है, तो ये एक साइंटिफिक स्टडी नहीं होगी। अब आते हैं सेकेंड कंसेप्ट के ऊपर, जो कि है साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ माइंड। अब यहाँ पे अभी भी जो इरा चल रही है वो ग्रीक इरा ही चल रही है, लेकिन यहाँ पे जो थोड़ी एक आइडियोलॉजीज थी वो चेंज होना शुरू हो गई, नज़रियात चेंज होना शुरू हो गया। अब यहाँ पे उन्होंने क्या कहा कि ग्रीक फिलोसफर्स के हिसाब से जो साइकोलॉजी है वो एक साइंस ऑफ माइंड है। उन्होंने कहा कि माइंड जो होता है ना, हम उसको डिफाइन कर सकते हैं एज अ सेट ऑफ फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स, सेंसेशन, कॉन्शियसनेस एंड अनकॉन्शियस फंक्शनिंग, ठीक है, इसको उन्होंने ओवरऑल माइंड कहा। ग्रीक फिलोसोफर ने जो सोल की टर्म है और जो एक माइंड की टर्म है उसको कहा कि ये जो है ना एक अनएनोनिमस थिंग है, जिसको हम अनएनोनिमस यानी अननोन थिंग है, ठीक है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो हमारी सोल का एक जो कंसेप्ट था ना, उसको एक किस्म का उन्होंने एबॉलिश कर दिया, और यहाँ पे अब जो वो बात करने लगे हैं वो आ रही है अब सारी की सारी ऑन द मेंटल प्रोसेसेस, कॉग्निशन के ऊपर, थिंकिंग पैटर्न्स के ऊपर, और बाकी सारे मेंटल प्रोसेसेस फीलिंग, इमोशन, फंक्शनिंग एंड ऑल, ठीक है, उन सब की बात होना शुरू किया अब यहाँ पे। तो पहले जो यहाँ पे फिलोसफर आए थे उनका नाम प्लेटो था। प्लेटो ने पहले भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन ऑब्वियसली दिया था, लेकिन इस इरा के अंदर सॉरी टाइम गुजरने के साथ साथ इस कंसेप्ट के अंदर उनकी जो ओपिनियन, उनका पॉइंट ऑफ व्यू था वो थोड़ा सा बदल गया था, चेंज हो गया था, आल्टर हो गया था। उन्होंने कहा कि जो पर्सन होता है ना, उसका जो एक सारे के सारा चीज़ रिलाय कर रही होती है, सारी की सारी फंक्शनिंग रिलाय कर रही होती है, वो सारे के सारे उसके माइंड के ऊपर रिलाय कर रही होती है, ठीक है। माइंड के बारे में उन्होंने कहा कि हर चीज़ जो होती है वो माइंड पर रिलाय कर रही होती है। फर्दर जो सेकेंड साइकोलॉजिस्ट आए, सेकेंड फिलासफर आए, उनका नाम एरिस्टोटल था। उन्होंने कहा कि माइंड जो है वो फंक्शनिंग पार्ट ऑफ द बॉडी है, और जो सारे के सारे मेंटल प्रोसेसेस होते हैं वो इफेक्ट होता है किसकी वजह से, एनवायरनमेंट की वजह से। दोबारा सुन लें, माइंड जो है वो एक फंक्शनिंग है बॉडी की, जबकि जो मेंटल प्रोसेसेस हैं ये एक इफेक्ट होते हैं एनवायरनमेंट का, ठीक है। इसके बाद उन्होंने कहा कि सेकंड जो नेक्स्ट फिलोसोफर आए थे उनका नाम था जॉन लॉक। उन्होंने कहा कि सोल जो है ना ये एक रिलीजियस कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जबकि जो माइंड है ना ये एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। उन्होंने एक एक किस्म की नोशन या फिर एक किस्म की टर्म जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई, जिसका नाम टेबुला रासा था, जिसको हम साइको एनालिसिस में भी कुछ हद तक देखते हैं, ठीक है। टेबुला रासा क्या कहती थी कि जो माइंड होता है वो कम्प्लीटली एक ब्लैंक शीट की तरह, ब्लैंक पेपर, साफ सुथरे कोरे कागज़ की तरह का होता है, जिसपे कुछ नहीं लिखा होता,
जब एक इंसान पैदा होता है तब वो टिब्यूला रासा के साथ पैदा होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसके एनवायरमेंटल फैक्टर्स और उसके सारे के सारे एक्सपीरियंसेस उस कागज़ के ऊपर लिखे जाते हैं, जो कि फर्दर उसकी पर्सनैलिटी को डिटरमाइन करते हैं, उसकी फीलिंग्स को डिटरमाइन करते हैं, उसकी सेंसेशन को डिटरमाइन करते हैं, उसके सारे के सारे मेंटल प्रोसेसेस को वही डील कर रहा होता है। अब नेक्स्ट आते हैं हम अगली सेंचुरी पे। अभी भी ग्रीक ही रही चल रहा है, लेकिन अब जो सेंचुरी आई है वो 19th सेंचुरी हो गई है। यहाँ पे जो है ना एक सेपरेट डिसिप्लिन एक किस्म का इमर्ज हुआ था, और इसको हम कह सकते हैं एज अ साइंस ऑफ मेंटल प्रोसेसेस। ठीक है, अब यहाँ पे वुंड ने क्या कहा, उन्होंने सबसे पहला काम तो ये किया कि उन्होंने एक लेबॉरेटरी जो थी डेवलप की, एक खास जो है ना साइकेट्रिक वार्ड डेवलप किया, ठीक है, फॉर द पेशेंट्स या फॉर द क्लाइंट्स विद साइकोलॉजिकल अलाइनमेंट। ठीक है, फर्दर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक स्कूल ऑफ थॉट की बुनियाद रखी जिसका नाम था स्ट्रक्चरलिज्म। ठीक है, स्ट्रक्चरलिज्म आज भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कूल ऑफ थॉट्स में से एक कंसिडर किया जाता है। फर्दर हम देखते हैं कि इनके साथ इनका एक कोलीग भी था, बेसिकली इनके स्टूडेंट थे, जिनका नाम था टिचनर, और इन्होंने मेंटल प्रोसेसेस के बारे में लोगों को आगाही देना, पढ़ाना और इसके साथ साथ इसको थॉरली स्टडी करना, एक्सप्लेन करना, एलेबोरेट करना, इस सब पे बहुत ज़्यादा काम किया था। इन्होंने कहा कि दो तरह के मेंटल प्रोसेसेस होते हैं। पहला आता है कॉग्निशन का। कॉग्निशन के अंदर हमारे डिफरेंट किस्म के अफेक्ट्स, परसेप्शंस, बिलीव्स, थॉट्स और आइडियाज शामिल होते हैं, ठीक है, जो कि कॉग्निटिव मेंटल प्रोसेसेस के अंदर एक कह सकते हैं एक अहम हिस्सा या फिर एक पार्ट होते हैं। दूसरा जो हमारा उन्होंने कहा मेंटल प्रोसेसेस का, वो थे अफेक्टेड अफेक्ट्स सारे के सारे, ठीक है, अफेक्ट्स टू द मेंटल प्रोसेसेस, जिसके अंदर हमारी फीलिंग्स, मूड्स एंड इमोशनल स्टेट्स सारी शामिल होती हैं। फर्दर उन्होंने एस्पेक्ट्स के बारे में जब डिस्कस किया तो उन्होंने कहा कि कॉग्निशन के अंदर हमारे डिफरेंट जो थे ना एस्पेक्ट्स आते हैं। डिफरेंट एस्पेक्ट्स बेसिकली तीन एस्पेक्ट्स हैं। फर्स्ट वन इज़ द अफेक्ट, सेकेंड वन इज़ द बिहेवियर एंड थर्ड वन इज़ द कॉग्निशन। उन्होंने कहा अगर हम किसी भी पर्सन के बारे में कुछ किसी भी किस्म की अंडरस्टैंडिंग हासिल करना चाहते हैं गिवन टाइम के बारे में, या प्रिडिक्ट करना चाहते हैं कि वो आगे दौर में क्या करेंगे, तो उसके लिए हमें इन तीन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। फर्दर उन्होंने कहा था कि माइंड जो है वो कंप्राइज होता है, मुश्तमिल होता है कॉन्शियस, सब कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस पार्ट्स के ऊपर। उन्होंने डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बयान किए थे माइंड और मेंटल प्रोसेसेस के, जो कि हैं पहला कंप्लीट यूनिट। माइंड एक कंप्लीट यूनिट होता है जो कि सारे के सारे एक हम कह सकते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स के या डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ के मलजा होने से, मिलने से बनता है, जिसके अंदर हमारी डिफरेंट स्टेट्स लाइक मेमोरी, इमेजिनेशन, थिंकिंग, एनालिसिस सारे के सारे चीज़ें आती हैं। जब हम इसको स्टडी करते हैं तब तो हम इसको सेपरेटली पढ़ते हैं ताकि हम डीप एनालिसिस कर सकें, बट एक्चुअली ये सारे के सारे मिलकर इकट्ठे होकर काम कर रहे होते हैं। सेकेंड वन इज़ द नॉन मैटर। माइंड जो है वो किसी फ्लैश या ब्लड से नहीं बना होता जैसे ब्रेन का स्ट्रक्चर है, जबकि माइंड जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट थिंग है, एक एब्स्ट्रैक्ट यूनिट है, और इसको जो है ना हम टच वगैरह नहीं कर सकते, इनटेंजिबल है ये। थर्ड आता है एक्टिविटी। तो माइंड हमेशा एक्टिव रहता है, उसमें किसी किस्म का गैप नहीं आता। लाइक अगर हम ब्रेन की बात करें तो उसमें हमारे नर्वस सिस्टम्स आते हैं, और नर्वस सिस्टम के अंदर ऐसा होता है कि फाइट के टाइम कोई और नर्वस सिस्टम है, और जो है जब कोई पर्सन रेस्ट स्टेट में है तब कोई और नर्वस सिस्टम है, सुबह जागते हुए कोई और नर्वस सिस्टम एक्टिव है, और सोते हुए कोई और नर्वस सिस्टम एक्टिव है, जब कोई एकदम से रिफ्लेक्स सेक्शन वाला सारा सिलेरियो आ गया तो उस टाइम कोई और नर्वस सिस्टम जो है वो ऑरिजिनेट हो जाएगा, ऑरिजिनेट कह रही हूँ सॉरी, ऑपरेट होना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, माइंड जो है वो एक ही चीज़ है और वही हमेशा हर वक्त एक्टिव रहता है। फिर तो बात आती है कंटिन्यूटी की। तो इसमें जो है ना कंटिन्यूस फ्लो ऑफ मेंटल प्रोसेसेस होते हैं। कंटिन्यूस फ्लो ऑफ मेंटल प्रोसेसेस से क्या मुराद है कि ये एक किस्म के जो है ना हमारी स्ट्रीम की तरह, कहा है उन्होंने कहा ये एक नदी की तरह होते हैं जो कि एक स्ट्रेट पाथ के अंदर मूव कर रही होती है, कॉन्टिन्यूसली फ्लो कर रही होती है, चलती जा रही है, जिसके अंदर हमारी डिफरेंट चीज़ें आती हैं लाइक पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के सारे कनेक्शंस, और इनके सारे जो
डिफरेंट एस्पेक्ट्स और डिफरेंट हमारे नज़रियात और डिफरेंट सारी के सारे मेंटल प्रोसेस होते हैं, वो सारे मिलकर चल रहे होते हैं। फर्दर आता है सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिव बेसिकली माइंड जो या फिर हमारे मेंटल प्रोसेस जो होते हैं ये सब्जेक्टिव होते हैं और ये पर्सनल होते हैं। ऐसा नहीं है कि हर इंसान की जो जजमेंट की स्किल्स हैं और सारी की सारी इंटरप्रिटेशन क्वालिटीज़ हैं वो सेम होती हैं। लाइक आप किसी चीज़ को दूसरी निगाह से देखते हैं, मैं किसी चीज़ को दूसरी निगाह से देखती हूँ, ठीक है। तो ये जो थे सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे हमारे माइंड के और मेंटल प्रोसेसेस के। अगर हम क्रिटिसिज्म की बात करें तो माइंड या मेंटल प्रोसेसेस यहाँ पे भी अनटेंजिबल हैं, टचेबल नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट थिंग है। तो यहाँ पे भी हम कुछ हद तक कह सकते हैं कि अभी भी हमारी जो एक साइंस का पूरा बेसिस थी या जो साइंस की एक शर्त है वो पूरी नहीं हो सकी है। दूसरा हम ये देखते हैं कि हम अपनी मेंटल एक्टिविटी से काफ़ी दफ़ा अवेयर होते हैं और काफ़ी दफ़ा अवेयर नहीं होते। लाइक कॉन्शियस स्टेट में अवेयर होते हैं, अनकॉन्शियस स्टेट में अवेयर नहीं होते हम लोग, ठीक है। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि हम अपने मेंटल एक्टिविटीज़ के बारे में तो जान सकते हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम जो है फर्दर इंटरप्रिटेशन भी कर सकते हैं, लेकिन हम दूसरे के सारे मेंटल प्रोसेसेस हैं उसके बारे में नहीं जान पाते। फर्दर हम देखते हैं कि एनिमल हो गए या फिर छोटे बच्चे हो गए या फिर मेंटली रिटार्डेड लोग या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जिसको साइकोलॉजिकल अलाइनमेंट है, तो उनके मेंटल प्रोसेसेस को हम ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते। हम बेसिकली वो खुद ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते, ठीक है। लाइक वो एक किस्म का जो इंट्रोजेक्शन का सारा फिनोमिना है ना, इंट्रोजेक्शन मतलब अपने बिहेवियर्स को खुद से देखना, वो सारा का सारा काम वो नहीं कर पाते। अब सारे के सारे मेंटल प्रोसेसेस तो फ्लो में होते हैं उनके कहने के मुताबिक, तो इससे जो है ना मुश्किल हो जाता है कि हम किस तरह से स्टडी कर सकते हैं कि अगर कोई चीज़ है वो फ्लो कर रही है, कॉन्टीन्यूसली चेंज कर रही है, तो हम फिर प्रिडिक्शन कैसे कर सकते हैं किसी भी बिहेवियर की, क्योंकि वो तो अभी एक किस्म का कुछ और सीन है और थोड़ी देर बाद कुछ और सीन होगा, तो हम प्रिडिक्ट तो कर ही नहीं सकते। तो इस तरह से ये जो बात है ये एक किस्म की बेबुनियाद हो जाती है। फर्दर आते हैं साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस ये किस तरह से है, तो हम इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि साइकोलॉजी हमारी कॉन्शियस स्टेट या फिर कॉन्शियस मेंटल प्रोसेसेस सारे इनकी जो है ना वो एक साइंस है। अब कॉन्शियसनेस बेसिकली क्या आती है, द प्रेजेंट मोमेंट ऑफ अवेयरनेस इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस। ये सबसे ईजी डेफिनेशन, सिंपल सी डेफिनेशन है, जिस मोमेंट के अंदर हम होते हैं वो हमारी कॉन्शियसनेस है। इसके एग्जाम्पल मैं इस तरह से देती हूँ कि आप टीवी के ऊपर अगर कोई प्रोग्राम देख रहे हैं, ठीक है, तो जिस चैनल पर आप करंटली मौजूद हैं वो आपका कॉन्शियस स्टेट है। जिस चैनल से आप होकर गुजर गए हैं वो आपका चला गया सबकॉन्शियस स्टेट में, और वो चैनल्स जिनके बारे में शायद आपको पता भी ना हो या फिर आपको पता हो लेकिन आप खुद से उनको इग्नोर कर रहे हैं, तो वो चैनल्स आपके होंगे अनकॉन्शियस स्टेट्स, ठीक है। होप आपको इस एग्जांपल से समझ आ गई होगी इस कंसेप्ट की। पहले फिलोसोफर जो इनके इस एक किस्म कंसेप्ट में आए थे वो थे जॉन डेवी, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने कहा कि जो हमारी साइकोलॉजी है ये साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस है। उन्होंने कहा कि कॉन्शियसनेस इज़ अ पर्पसफुल थिंग, ठीक है, जिसको हम एनालाइज भी कर सकते हैं और उसके अंदर से हम एक्सपीरियंसेस भी डिडक्ट कर सकते हैं। फिर आते हैं विलियम जेम्स। विलियम जेम्स ने कहा कि ये एक साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस है। उन्होंने कहा कि हमारा माइंड एक फ्लेक्सिबल और एक फ्लूइड की मानिंद है, जिसके अंदर चेंज की भी एक क्वालिटी है, अडेप्टेबिलिटी की भी एक क्वालिटी है, और वो रिस्पॉन्स भी कर सकता है हमारी फ़्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को। उन्होंने कहा कि ये फ़्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जो है ना ये एक किस्म की नदी है हमारी कॉन्शियसनेस की, जो कि बही जा रही है। उन्होंने कहा हमारी जो फोकल कॉन्शियसनेस और जो सेंटर ऑफ मार्जिनल कॉन्शियसनेस है, इन सब इनके अंदर जो है ना अपनी अपनी एक बाउंड्री, अपनी अलहदा बाउंड्रीज होती हैं, सेपरेट सिस्टम्स होते हैं। अगर हम एट्रीब्यूट्स की बात करें कॉन्शियसनेस की जो विलियम जेम्स ने प्रेजेंट किए थे, तो पहला आता है इट इज़ पर्सनल। तो कॉन्शियसनेस जो होती है ना ये भी एक हम कह सकते हैं सब्जेक्टिव चीज़ है जो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही होती है, ठीक है। और फिर दूसरा उन्होंने कहा कॉन्टीन्यूसली चेंज, जैसे कि उन्होंने कहा कि ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है तो ये चेंज भी ऑल्टर भी कर पाती है, हर वक्त चेंज हो सकती है। इसके बाद है सेसेबल कंटिन्यूटी। इसके अंदर उन्होंने कहा कि हमारी परसेप्शन या जो हमारी कॉन्शियसनेस होती है ना ये सारी की सारी एक कॉन्टीन्यूस स्ट्रीम ऑफ थाट्स की मानिंद होती हैं, जिसके अंदर जो है ना किसी भी किस्म की चेंज आ सकती है। लाइक अगर हम जो है वो सो रहे होते हैं तो उस तरह उस वक्त हमारी इंटरप्रिटेशंस कुछ और होती हैं, लाइक जो हमारी ड्रीम्स के अंदर आ रही होती हैं, और जब हम जागे हुए होते हैं तो उस टाइम कुछ और हमारा सारा सिस्टम चल रहा होता है।
तो इसके बारे में उन्होंने बात की. इट इज़ सिलेक्टिव, लाइक हम जो है हमारे सामने ऑब्वियसली हर टाइम बहुत सारे स्टिमुलस होते हैं, लेकिन उनमें से हम कोई चंद एक को पिकआउट करके उसके ऊपर तवज्जो देते हैं, उसको अटेंशन देते हैं, है ना. ऐसे ही होता है, जो बाकी होते हैं उनको हम इग्नोर कर देते हैं. तो उसी की उन्होंने बात की थी. इट इज़ एक्टिव, एक्टिव से मुराद ये है कि इसमें कोई पैसिव कलेक्शन ऑफ डाटा नहीं हो रही होती, डायरेक्ट जो है ना वो गोल डायरेक्टेड होती है, और डायरेक्ट कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन या डाटा हो रही होती है. क्रिटिसिज्म की हम बात करें तो ये जो यहाँ पे कॉन्शियसनेस की उन्होंने टर्म जो है वो इस्तेमाल की थी, ये इजी तो है समझने के लिए, लेकिन दूसरों को समझाने में बहुत मुश्किल है. ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया, आप लोग समझ तो गए हैं, लेकिन आप इस एग्जांपल के बगैर इसको समझा पाएँ एक लेमैन को, ये बहुत मुश्किल काम है. दूसरा, सोल और माइंड की तरह कॉन्शियसनेस भी एक जो है ना एब्स्ट्रैक्ट थिंग है, उसको हम मैयर नहीं कर पाते. ठीक है, आजकल तो ऑब्वियसली हम लोग जो है डिफरेंट टेक्निक्स को अप्लाई करते हुए देख सकते हैं, लेकिन उस दौर में ऐसा ऐसा कोई इक्विपमेंट्स या पे टूल्स वगैरह नहीं होते थे. दूसरा, ये जो अप्रोच है ये सब्जेक्टिव है, और इसको हम जो है ना एक जो है एनालिसिस, जो ऑब्जेक्टिव एनालिसिस होता है, वो इस पर ऑब्वियसली हम रन आउट नहीं कर पाते. छोटे बच्चे, पेशेंट्स वगैरह या फिर एनिमल्स वगैरह जो होते हैं, उनके कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस को हम बयान नहीं कर पाते. लाइक अगर एक छोटा बच्चा जिसको ऑब्वियसली कुछ बोलना ही नहीं आता, या जानवर है, तो उसको हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि वो कॉन्शियस स्टेट में है, अनकॉन्शियस स्टेट में, उसका क्या कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस हैं सब कुछ. या फिर अगर हम जो है वो क्लाइंट्स के ऊपर या फिर जो है पेशेंट्स के ऊपर आए, तो इनमें भी हम देखते हैं कि अगर कोई मल्टीपल पर्सनैलिटी का ऑब्वियसली पर्सन है, तो जिस टाइम उसकी दूसरी पर्सनैलिटी उस पर रूल आउट हुई है, तो उस टाइम वो अपनी पिछली पर्सनैलिटी कॉन्शियस स्टेट में तो होगा ही नहीं, तो उसका हम किस तरह से बयान करेंगे. तो ये जो एक टर्मिनोलॉजी थी ना, ये एक किस्म की अपने आप में ही एक कॉम्प्लिकेटेड टर्म है. फिर फर्दर आते हैं साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर. मेरे ख्याल से जो सबसे अप्रोप्रिएट मुझे लगा वो साइंस ऑफ बिहेवियर ही है. साइकोलॉजी को साइंस ऑफ बिहेवियर कहा गया कि उन्होंने कहा कि जो हमारे बिहेवियर होते हैं ना, वो मेयरेबल भी होते हैं और ऑब्जर्वेबल भी होते हैं. अब क्योंकि ये मेयरेबल ऑब्जर्वेबल हैं, तो यहाँ पे जो एक आई थी ना एब्स्ट्रैक्ट टर्मिनोलॉजी, इसकी वजह से हम साइंस नहीं कह पाए थे, वो सारी की सारी बंदिशें हम यहाँ पे ख़त्म हो गई हैं. दूसरा ये कि ये चीज़ जो थी ना, ये काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्टेबल थी, क्योंकि जो है ना सारी की सारी चीज़ तो बिहेवियर के ऊपर ही रिलाई कर रही होती है ना. अगर कोई बिहेवियर गलत आ रहा है, तो हम उसको फिर एबनॉर्मल कैटेगरी के अंदर रिलाई लाए करते हैं. लाइक एक पर्सन अगर हमारे सामने नॉर्मली बिहेव कर रहा है, तो हम उसको नॉर्मल कंसिडर करेंगे, लेकिन अगर वो कुछ गलत चीज़ें कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो हमने उसको सिखानी है, कोई बिहेवियर सिखाना है उसे, तो ये सारी सारी चीज़ें जो है साइकोलॉजी हमारी लाए ही बिहेवियर के ऊपर कर रही होती है. तो मेरे ख्याल से ये सबसे जो अच्छा स्कूल ऑफ थॉट मुझे लगा वो यही था. जे बी वॉटसन थे सबसे पहले पर्सन जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को पेश किया था बिहेवियर को. उन्होंने कहा कि जो भी एक पर्सन, एक इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म करता है, उसके एक्शंस, उसके रिएक्शंस, उसके रिस्पॉन्सेस, ये सारे के सारे उसके बिहेवियर में काउंट होते हैं. इसको हम मैयर कर सकते हैं, और ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है ना, ये सोल वगैरह से जो है ना हट के था, थोड़ा मुख्तलिफ था, ठीक है, डिफरेंट था. और उन्होंने कहा कि इसी की बेसिस के ऊपर हम एक्सपेरिमेंट को भी कर सकते हैं, और ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंट आ गया, एम्पिरिकल अप्रोच आ गया, तो अब यहाँ पे जो साइंस का एक दर्जा था ना, वो भी हासिल हो गया. और जो है इसके साथ साथ, एक तो एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म कर सकते हैं, दूसरा हम इससे प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं कि फर्दर आने वाले वक्तों में बंदा किस तरह एक्ट कर सकता है, किस तरह का अपना जो बिहेवियर है वो शो करवा सकता है. ठीक है, फिर आते हैं पिलसबरी के ऊपर. ये सेकेंड फिलासफर थे. ये पहले वो पर्सन थे जिन्होंने साइकोलॉजी की टर्म इस्तेमाल की थी. दोबारा से रिवाइज करते हैं, सोक्रेट्स वो पहले शख्स थे जिन्होंने साइकी की टर्म इस्तेमाल की, एरिस्टोटल पहले शख्स थे जिन्होंने अपनी बुक लिखी डी एनीमिया के नाम से, और वो पहली किताब थी साइकोलॉजी की, और पहला लफ्ज़ जो साइकोलॉजी एक पर्सन ने इस्तेमाल किया था वो प्लिसबरी थे. इसके स्पेलिंग है PILLSBURY. फिर फर्दर आते हैं अपने नेक्स्ट फिलोसफर पे, जो कहते हैं थॉर्नडाइक. थॉर्नडाइक के बारे में आई गेस ज़्यादातर लोगों को पता होगा, क्योंकि ये बायोलॉजी में भी पढ़ा जाता है, इसके साथ साथ ये साइकोलॉजी के अंदर भी, FA के अंदर पढ़ाया जाता है. तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपनी बेसिकली जो है ना एक एक्सपेरिमेंट किया था, ट्रायल एंड एरर का, जिसके अंदर उन्होंने लर्निंग को चेक किया था. तो ये बिहेवियर साइकोलॉजी के अंदर रिलाई कर रहा था, जिसके अंदर उन्होंने फर्दर लॉ ऑफ कंडीशनिंग सारे के सारे देखे. फिर और फिलासफर्स आए लाइक पेवलर और स्किनर, उन्होंने भी लॉ ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये सारे के सारे जो है ना कंसेप्ट अपने पेश किए.
और इसके साथ साथ एक जो रिलेशनशिप बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स था उसका उसको भी डिफाइन किया, और स्टिमुलस रिस्पॉन्स फार्मूला को भी जो है वो एक्सप्लेन और डिराइव किया। और इसके साथ साथ SOR जो एक हमारा फिनोमेना था उसको भी एक्सप्लेन किया। ये सारा का सारा काम हो रहा था ड्यूरिंग द हाफ ऑफ 20th सेंचुरी, और ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल था हम कह सकते हैं साइकोलॉजी के टर्म से रिलेटेड, और इसकी जो डेवलपमेंट थी उसमें भी। फर्दर हम देखते हैं अबाउट द क्रिटिसिज्म, तो एक तो इसमें जो था ना, वॉटसन ने सारे के सारे ऑब्जर्वेबल बिहेवियर के बारे में बात की थी, लेकिन वो बिहेवियर जो कि हमारे ऑब्जर्वेबल नहीं होते, लाइक नॉन वर्बल बिहेवियर जो होते हैं उनको उनका क्या होगा, उसके बारे में ऐसे कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं थी। बिहेवियर को मेंटल रिस्पॉन्सेज के हिसाब से जो था वो एक्सप्लेन किया गया, लेकिन मेंटल प्रोसेसेस के बारे में कुछ नहीं बताया गया। तो यहाँ पर एंड करते हैं हम अपनी वीडियो को। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। प्लस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। शुक्रिया।